हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का, मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम है दोस्तों इस सेशन में, महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लिए। ये एमपी जीके का सेशन रहता है डेली और हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, तो आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स का जो यूट्यूब का चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ इसका टेलीग्राम चैनल है जस्ट इसी नाम से, तो आप लोग यहां से जुड़ जाएंगे, क्लासेस से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त होंगी। साथ ही साथ नया फीचर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर एजुकेटर कम्युनिटी का, सो ये एजुकेटर कम्युनिटी आप जाकर के एक बार फॉलो कर लें जिससे सभी अपडेट्स पीडीएफ आपको प्राप्त हो सके। ये अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ये मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से, जाकर के एक बार फॉलो कर लेंगे, यहां पर भी फॉलो कर लेंगे। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर सर्च बॉक्स में जाएंगे, सर्च करेंगे जिससे सभी आपको अपडेट्स नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। इसके अलावा दोस्तों फ्री सेशंस भी आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड या लाइव। आपको फ्री क्लासेस रिकॉर्डेड जो हो चुकी हैं वो यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ प्लस कोर्सेस आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को बता दूं, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर प्लस कोर्स लॉन्च हुआ है, प्लस कोर्स चल रहा है अभी वर्तमान में एमपीपीएससी प्री के लिए यूनिट नंबर 10 का। मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे से रहता है, तो आप जरूर आप जाकर के एक बार सभी लोग इनरोल कर लें। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कंप्लीट पीडीएफ आपको प्राप्त होगी, एजुकेटर कम्युनिटी पर अपलोडेड है। साथ ही साथ ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस, साथ ही साथ लाइव क्लास में अपने संपूर्ण डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये प्रोफाइल है, जाकर के एक बार फॉलो जरूर कर लें। प्रोफाइल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है और इसके साथ साथ ये एजुकेटर कम्युनिटी के लिंक, क्लास जस्ट कंप्लीट होने के बाद में आपको लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो जरूर इनरोल कर लें एमपीपीएससी प्री के लिए यूनिट नंबर 10 के इस कोर्स में। साथ ही साथ दोस्तों कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको अलग अलग एजुकेटर के लिए अलग अलग सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल सब्सक्रिप्शन है। आप किसी भी बैच को ज्वाइन करें या सभी बैचेज को ज्वाइन करें, प्राइस आई कलर्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये रेफरल कोड है PANDEY, आज ही सब्सक्राइब करें इस कोड का प्रयोग करके और मैक्सिमम डिस्काउंट का लाभ उठाएं। ये सबसे किफायती इसमें 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से ईएमआई की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। ये कोड आपको यहां पर टाइप करके अप्लाई करना होगा, ध्यान रखें PANDEY। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मध्य प्रदेश के अलग अलग एग्जाम एमपीएसआई, एमपी पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी, इन सभी की अलग अलग कैटेगरीज लॉन्च हुई है, तो ये अभी ऑफर चल रहा है। इसमें 20% प्लस 10% का ऑफर है। इस कोड का प्रयोग करने पर तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं क्योंकि ये ऑफर जो है जल्द ही समाप्त होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों 27 मार्च को, ध्यान रखिएगा जस्ट 2 दिन बाद 27 मार्च को एमपीपीएससी कॉम्बैट के नाम से एमपीपीएससी ये अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, तो आप सभी लोग इनरोल कर लें। इस कोड का प्रयोग करके अपने दोस्तों को भी इनरोल करा लें क्योंकि इसके माध्यम से आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और इसके अलावा लकी विनर्स ये आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। 60 क्वेश्चन का ये सेशन होगा, 60 मिनट में करना होगा, सभी लोग इनरोल कर सकते हैं। ये क्लासेस से संबंधित, ऑफर से संबंधित आप सभी के लिए जानकारी थी। हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चित्रावण बताना है क्या है, चित्रावण क्या है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कला के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण शब्द है चित्रावण, आपको बताना है। एक फोक क्राफ्ट है, एक फोक ड्रामा है, एक फोक सॉन्ग है, या इनमें से कोई नहीं। तो वैसे भी ये नाम ही बता रहा है इसका, चित्रावण यानी कि चित्र बनाना, यानी कि ये क्या है, एक फोक पेंटिंग है मध्य प्रदेश की। क्या है ये, लोक चित्रकला है, ध्यान रखिएगा। क्या है ये, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये एक लोक चित्रकला है। किस अंचल की, मालवा अंचल की एक फोक पेंटिंग है, यानी कि आंसर होगा इसका क्या, डी, एक लोक चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन घाट किस नदी पर स्थित है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कंचन घाट आपको बताना है किस नदी पर है, प्रसिद्ध घाट ये कंचन घाट।
आंसर क्या होगा इसका, कंचन घाट कहां पर है, बेतवा नदी के तट पर, कहां पर, ओरछा में, बेतवा नदी के तट पर ओरछा में अवस्थित है। यहां पर बुंदेला शासकों की छतरियां भी अवस्थित है बेतवा नदी के तट पर उस ओरछा में। आंसर होगा इसका बी, यानी कि बेतवा नदी के तट पर निवाड़ी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ये चार नाम लिखे गए हैं और इन चार नामों के आधार पर आपको बताना है इनमें से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है। एन एन वांजू, कैलाश नाथ काजू, एच वी पाटेस्कर और दैट मीन्स हरि विनायक पाटेस्कर और ओपी कोहली, इनमें से इन चार नामों को देख करके आपको बताना है इनमें से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। आंसर होगा इसका कैलाश नाथ काजू। कैलाश नाथ काजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ना कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। और इसके अलावा ये तीनों नाम जो लिखे हुए हैं वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। तो यानी कि आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति से संबंधित शिल्प इनमें से कौन सा है बताना है। क्राफ्ट रिलेटेड विद द कोरकू ट्राइब, मध्य प्रदेश में जनजाति संस्कृति में कई अलग अलग शिल्प प्रचलित हैं, उनमें से आपको बताना है कोरकू जनजाति का शिल्प इनमें से कौन सा है। इनमें से कौन सा शिल्प जो है वो कोरकू जनजाति का है। देखिए, गुड़िया शिल्प प्रमुख रूप से झाबुआ केंद्र इसका है, हालांकि अलग अलग अंचलों में बनाया जाता है और भीली गुड़िया भी काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये जो आपका छीपा है, ये एक छीपा शिल्प भैरोगढ़ प्रसिद्ध है, हालांकि छीपा प्रिंट जो है भील जनजाति में भी काफी नदना प्रिंट है, ये प्रचलित है। इसके अलावा ये मांडो और दीवानिया, ये आपके क्या है, कास्ट शिल्प है। कल भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ये क्या है, कास्ट शिल्प है, लकड़ी के शिल्प है, और यानी कि लकड़ी का शिल्प यानी कि वुडन क्राफ्ट है। और ये मांडो जो है, ये मांडो किससे संबंधित है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, कोरकू जनजाति से। और इसके अलावा दीवानिया जो है ये आपका भील जनजाति से। यानी कि यहां पर जो प्रश्न पूछा है वो कोरकू जनजाति पूछा है, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, मांडो। मांडो एक कास्ट शिल्प है कोरकू जनजाति का, याद रखिएगा कास्ट शिल्प है कोरकू जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही जोड़ी आपको बताना है। चलिए गुड, सही जोड़ी इनमें से बताना है, करेक्ट पेयर जिरोती कोहबर मोइराला या उपरोक्त सभी। जिरोती कोहबर मोइराला या उपरोक्त सभी, आंसर क्या होगा इसका। देखिए, ये मध्य प्रदेश की अलग अलग क्या है, चित्रकलाएं हैं, ध्यान रखिएगा क्या है, ये फोक पेंटिंग के नाम लिखे गए हैं जो मध्य प्रदेश के अलग अलग कल्चरल रीजन में ये प्रसिद्ध हैं। तो आंसर होगा इसका, देखिए जिरोती जो है निमान अंचल बिल्कुल सही है, कोहबर बघेलखंड ये भी सही है, प्रमुख रूप से ये विवाह के अवसर पर, प्लस इसके अलावा मोइराला बुंदेलखंड ये भी सही है। यानी कि आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, यानी कि डी आंसर होगा, सभी चित्रकलाएं मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों में सही पेयरिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स की एक क्लास करवा दीजिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जोड़ी आपको इनमें से बताना है, इनमें से सही जोड़ी आपको बताना है। ये आपने रिवर्स का नाम लिया, रिवर्स का प्रश्न ही आ गया। मध्य प्रदेश की नदियां यहां पर दी गई हैं और नदियों के साथ साथ जो मध्य जो ये नदियों का उद्गम स्थल जिस पर्टिकुलर पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है उसी के संदर्भ में पेयरिंग दी गई है। आपको सही पेयर का चुनाव करना है यहां पर। जल्दी से बताना है, देखिए इसमें जो है आंसर क्या होगा इसका। देखिए, ये जो है छिप्रा नदी, काकरा वर्दी हिल, तवा नदी, महादेव हिल, इसके अलावा कूनो शिवपुरी प्लेटू और साथ ही साथ बैनगंगा परसवाड़ा पठार। यानी कि आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा इसका, ए का टू, ए का टू, इसके अलावा बी का वन, बी का वन, इसके अलावा सी का थ्री, सी का थ्री और डी का फोर, डी का फोर। यानी कि आंसर क्या होगा इसका, यहां पर आंसर होगा इसका डी।
छिप्रा नदी काकड़ावर्ती हिल से निकलती है, तवा नदी महादेव पहाड़ी से निकलती है, कुनो नदी शिवपुरी पठार से, शिवपुरी प्लेटू से, और इसके अलावा वेनगंगा नदी परसवाड़ा प्लेटू से निकलती है। तो आंसर क्या होगा जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन बघेलखंड रीजन। किस प्रकार की मिट्टी बघेलखंड के पठार में पाई जाती है, इनमें से आपको बताना है, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर यदि देखें तो लाल पीली मिट्टी जो है ये बघेलखंड के पठार में पाई जाती है, और प्रमुख रूप से चावल का उत्पादन इस मिट्टी में किया जाता है। इसके अलावा जो काली मिट्टी है ये प्रमुख रूप से मालवा और निमाड़ का कुछ बेल्ट यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अलावा ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये आपका जो सेंट्रल इंडिया प्लेटू है, मध्य भारत का पठार, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। आंसर होगा जाएगा इसका रेड एंड येलो सॉइल, यानी कि लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य मंदिर कहां पर अवस्थित है, इनमें से किस स्थान पर सन टेंपल अवस्थित है, द फेमस सन टेंपल आपको बताना है, द फेमस सन टेंपल इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है, ऐती, लहरी, जौरा और नूरपुर में से आपको बताना है। आंसर क्या होगा इसका जल्दी से बताएंगे, आंसर होगा इसका ऐती, सन टेंपल ऑफ ऐती इज मोस्ट फेमस, और ये कहां पर है, मुरैना जिले में, ध्यान रखिएगा ऐती कहां पर है, मुरैना जिले में सन टेंपल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक नगर किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है, अशोक नगर जो गुना से अलग होकर के एक नया जिला बना था, ये आपको बताना है, मध्य प्रदेश के जो दो प्रसिद्ध नदियां जो यहां पर दी गई हैं, किन दो प्रसिद्ध नदियों के मध्य अवस्थित है अशोक नगर। चंबल और छिप्रा, बेतवा और सिंध और जसान और बेतवा, आंसर क्या होगा इसका, इन दो नदियों में से पेरिंग जो यहां पर है वो बेतवा और सिंध है, बेतवा और सिंध दो नदियों के मध्य अशोक नगर अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, और चंदेरी यहीं पर अवस्थित है इसी जिले में, अपने किले ऐतिहासिक स्थल है चंदेरी, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अभी तक सॉइल नेशनल पार्क्स रिवर्स फॉरेस्ट की कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं करवाई, पेज करवा दीजिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल, हालांकि प्राची परमार जी आपने देखा नहीं होगा, अनएकेडमी की लर्निंग ऐप पर मैंने कराया हुआ है, कंप्लीट एमपीजी के स्पेशल क्लास प्री क्लास में करवाया है, आपने देखा नहीं होगा, बट श्योरली आपका सजेशन जो है यहां पर भी करवा दिया जाएगा। चलिए जल्दी से बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मांडू धार जिले में है, हिंडोला महल मांडू में, ये बिल्कुल सही, दोनों कथन बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका दोनों सत्य हैं। मांडू जो है धार जिले में ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख रूप से मालवा सल्तनत के समय का ये प्रसिद्ध केंद्र है, इसके अलावा परमार वंश के शासन के समय का भी, और इसके अलावा हिंडोला महल या स्विमिंग पैलेस ये भी अवस्थित है मांडू में, आंसर होगा जाएगा इसका डी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विंध्य प्रदेश वाज, विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आपको बताना है, बिल्कुल प्राची परमार जी, फ्री क्लासेस हैं अनएकेडमी की लर्निंग ऐप पर, फ्री क्लासेस में कंप्लीट एमपीजी के कराए, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विंध्य प्रदेश वाज, आंसर यहां पर होगा डी। इस ऐसे क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर होगा जाएगा इसका डी, ये विंध्य प्रदेश का पूछा गया, मध्य प्रदेश का नहीं पूछा गया, और विंध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो अवधेश प्रताप सिंह थे, ध्यान रखिएगा वो क्या थे, अवधेश प्रताप सिंह। अब आप पूछेंगे फिर यहां पर मार्तंड सिंह कौन थे, तो मार्तंड सिंह जो थे यहां पर नाम जो लिखा हुआ है ये राज्य प्रमुख थे, ये क्या थे, राज्य प्रमुख। इसके अलावा ये लीलाधर जोशी ये कहां के मुख्यमंत्री थे, ये मध्य भारत के थे, मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री। इसके अलावा रविशंकर शुक्ला ये सीपी बनार के थे, और इवन मध्य प्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री थे 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, आंसर हो जाएगा इसका क्या, आंसर हो जाएगा डी, अवधेश प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द देवगढ़ फोर्ट। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देवगढ़ का किला किसने बनवाया था,
देवगढ़ का किला प्रसिद्ध किला है ये, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी आप लोग बता देंगे कि ये देवगढ़ का किला किस जिले में अवस्थित है। देवगढ़ का किला, द फोर्ट ऑफ देवगढ़ इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसका निर्माण राजा जाटव ने करवाया था, आंसर होगा इसका ए। और ये कहां पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अवस्थित है। और ये किस वंश के शासक थे, ये किस वंश के शासक थे, ये गोंड वंश के शासक थे। किस वंश का, गोंड वंश का ये प्रमुख केंद्र रहा है, आंसर होगा इसका ए। ये छिंदवाड़ा जिले में अवस्थित है देवगढ़ का किला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दापा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, दापा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है आपको बताना है। दापा सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ट्राइब, गोंड, भारिया, कोरकू या भील। गोंड, भारिया, कोरकू या भील, आंसर होगा इसका ये भील जनजाति का एक बधोमूल्य चुकाने की प्रथा थी जो गोविंदगिरी और सुरमादास और गोविंदगिरी आंदोलन के बाद काफी कम हुई है। और ये कहां पर, किस जनजाति में, भील जनजाति में प्रचलित ये प्रथा, दापा प्रथा, याद रखिएगा, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर नमक मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण लोक चित्रकला है, मध्य प्रदेश के किसी खास सांस्कृतिक अंचल में ये काफी प्रसिद्ध है, आपको बताना है किस सांस्कृतिक अंचल में मेयर नमक लोक चित्रकला प्रचलित है। मध्य प्रदेश के किस सांस्कृतिक अंचल में, जल्दी से बताना है, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा जाएगा इसका मेयर नमे किस अंचल का, बघेलखंड अंचल की चित्रकला है, प्रसिद्ध चित्रकला है मेयर नमे, याद रखिएगा। बघेलखंड अंचल की काफी चित्रकलाएं प्रचलित हैं, जैसे जिसमें तिलंगा काफी प्रसिद्ध है, तिलंगा है, इसके अलावा छठी है, छठी ये बघेलखंड अंचल की है, इसके अलावा मेयर नमे जो मैंने आपको बता दिया प्रमुख रूप से, आंसर होगा जाएगा इसका क्या, मेयर नमे बघेलखंड अंचल की लोक चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़ी आपको बताना है, इनमें से एक गलत जोड़ी कौन सी है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के नाम लिखे गए हैं यहां पर, और वो स्थल मध्य किन नदियों के तट पर अवस्थित हैं, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। ओरछा, बेतवा, पचमढ़ी, नर्मदा, मंदसौर, सिवना या उज्जैन, छिप्रा, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका ये गलत है, पचमढ़ी। पचमढ़ी एक्चुअल में महादेव पहाड़ी से तवा नदी निकलती है और ये यहीं से, यानी कि पचमढ़ी से ही आंसर हो जाएगा इसका क्या, तवा नदी, ध्यान रखिएगा, तवा नदी के तट पर या तवा नदी यहां से निकलती है। तो ओरछा, बेतवा सही है, मंदसौर, शिवना सही है और उज्जैन, छिप्रा सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस जिला समूह में 50% से अधिक भूमि वनों के अंतर्गत है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स मोर देन 50% ऑफ द लैंड इज अंडर फॉरेस्ट। इनमें से चार चार जिलों के प्रत्येक ऑप्शन में, प्रत्येक विकल्प में चार चार जिलों के नाम लिखे गए हैं। प्रत्येक विकल्प में जो चार चार जिलों के नाम लिखे गए हैं, आपको इनमें से बताना है किस पर्टिकुलर जिला समूह में, किस पर्टिकुलर जिला समूह में अधिक भूमि 50% से अधिक भूमि वनों के अंतर्गत है। आंसर इसका होगा, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन यहां पर सही है ये, चूंकि बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद, बालाघाट ये काफी मिस यहां पर वन पाए जाते हैं, तो आंसर इसका आपका क्या होगा, ए ही ऑप्शन होगा, 50% से अधिक भूमि लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है, सबसे कम वन किस पर्टिकुलर क्षेत्र में इनमें से ऑप्शन में पाए जाते हैं। राजकुमार, वृंदा, सौरभ, बग्मी, मोनिका, चलिए गुड, पंकेश, दोस्तों जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हो आंसर्स के लिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप कमेंट कर पाएंगे, यदि ऐसी प्रॉब्लम जा रही है तो। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका सबसे कम वन क्षेत्र जो है वो कौन सा है, मध्य भारत का पठार, यहां पर बहुत ही कम वन पाए जाते हैं, चंबल का, बिहार का ये
क्षेत्र है, चंबल का क्षेत्र है जो गली इरोजन मृदा अपरदन से काफी प्रभावित है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका मध्य भारत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति अधिकारी मध्य प्रदेश की किस प्रख्यात एक प्रख्यात हस्ती हैं, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? श्रुति अधिकारी, इनका काफी अभी नाम रहा पिछले कुछ सालों में, आपको बताना है ये मध्य प्रदेश के किस पर्टिकुलर कला के प्रसिद्ध हस्ती हैं, किस प्रसिद्ध कला क्षेत्र की प्रमुख हस्ती हैं, गायन वादन नृत्य या इनमें से कोई नहीं। श्रुति अधिकारी आंसर क्या होगा इसका, श्रुति अधिकारी आंसर होगा इसका वादन से, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं और ये क्या है, संतूर वादक, याद रखिएगा क्या, संतूर वादक के लिए प्रसिद्ध हैं, ये क्या है, संतूर वादक हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के किस राजवंश के शासकों के, किस डायनेस्टी के रूलर्स के सिक्के कॉइंस प्राप्त हुए हैं, किस राजवंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं, आपको बताना है। त्रिपुरी कहां पर है, जबलपुर में, तो त्रिपुरी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक अधिवेशन भी हुआ था कांग्रेस का। आंसर होगा इसका ए, यानी कि सातवाहनों एवं क्षत्रपों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, शक्षत्रपों के। आंसर होगा इसका ए, यानी कि सातवाहनों एवं क्षत्रपों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरायन लोक चित्रकला मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक चित्रकला है, किस अंचल की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है, आपको बताना है। बरायन, चलिए जल्दी से बताइए, बरायन लोक चित्रकला मध्य प्रदेश के किस अंचल की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है, आंसर क्या होगा इसका, बरायन लोक चित्रकला मध्य प्रदेश के, देखिए बरायन दगेहर, इसको दगेहर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दगेहर भी कहा जाता है इस लोक चित्रकला को, इवन अंगरोहन भी कहा जाता है, क्या, अंगरोहन भी कहा जाता है, और ये बुंदेलखंड और प्लस इसके अलावा बघेलखंड, बुंदेलखंड प्लस इसके अलावा बघेलखंड अंचल की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है ये। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका बघेलखंड यहां पर, तो आंसर इसका बी। विवाह के अवसर पर प्रमुख रूप से यह चित्रकला बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम द्वारा प्रदेश में स्थापित कपड़ा मिलों से संबंधित कौन सा युग में सही नहीं है, इसमें से आपको बताना है, विच इज नॉट रिलेटेड टू द टेक्सटाइल्स मिल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, नेशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इन द स्टेट। मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल से संबंधित जो यहां पर उद्योग और उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं उनमें से कौन सा मैच्ड नहीं है, उनमें से कौन सा मैच्ड नहीं है, बताना है। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका कल्याण मिल्स लिमिटेड बुरहानपुर, ये गलत है, ये कहां पर है, इंदौर में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था, मध्य प्रदेश स्टेट्स वीमेन कमीशन एक्ट वाज पास्ट, हेलो सभी को गुड मॉर्निंग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन आपको बताना है कब हुआ, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका 23 मार्च 1998 को हुआ है, ध्यान रखिएगा 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इन विशेषताओं पर विचार कर बताना है यह किस जनजाति से संबंध में है। यहां पर एक्चुअल में 3 पॉइंट 3 बिंदु दिए गए हैं, इन 3 बिंदुओं को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इन बिंदुओं में किसकी किस जनजाति की चर्चा की गई है, इन बिंदुओं में किस जनजाति की विशेषताएं बताई गई हैं, यानी कि विशेषताएं पढ़ करके आपको जनजाति बताना है, जनजाति पहचानना है इनमें से। देयर हेड इज कॉल्ड एज महतो, देयर प्रीस्ट आर बैगा, हिज यंग यूथ हाउस, इसको कर लेंगे यूथ हाउस,
यूथ होम, यूथ होम इज कॉल्ड एज धूम कोरिया, यानी कि इस जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है, धूम कोरिया कहा जाता है। तो ये आपको बताना है ये किसके संबंध में चर्चा है यहाँ पर। इनके मुखिया को महतो कहते हैं, इनको इनके पुरोहित को बैगा कहते हैं, इनके युवा ग्रह को धूम कोरिया कहते हैं। आंसर क्या होगा इसका, उराव जनजाति। ध्यान रखिएगा, उराव जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, महतो कहा जाता है, इनके पुरोहित बैगा होते हैं, और इनके युवा ग्रह को धूम कोरिया कहा जाता है। यानी कि आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटल इंडिया अभियान के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले का बंजारी गांव देश के डिजिटल मानचित्र का एक अभिन्न बन गया है। ये बंजारी गांव डिजिटल मानचित्र में, द बंजारी विलेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिजिटल मैप ऑफ इंडिया। बंजारी गांव किस लिए प्रसिद्ध है, यानी कि डिजिटल मैप में इसका नाम आ चुका है, यानी कि ये डिजिटलीकरण हो चुका है, और ये कहां पर है, कटनी जिले में। आंसर होगा इसका बंजारी गांव कहां पर है, कटनी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। बहुटी जलप्रपात महाना नदी पर है, सेलाब नदी पर है, टोंस नदी पर है, या बीहड़ नदी पर है। बहुटी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, महाना, सेलार, टोंस या बीहड़। आंसर क्या होगा इसका, बहुटी जलप्रपात ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अवस्थित है। कहां पर, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अवस्थित है, और यह सेलार नदी पर है। सेलार नदी किसकी सहायक नदी है, सेलार नदी बीहड़ की ट्राइब्यूटरी है, बीहड़ की क्या है, सहायक नदी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के किस ग्रंथ में, कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। इन विच बुक ऑफ द कालिदास द स्टोरी ऑफ शिवा पार्वती मैरिज हैज बीन डिस्क्राइब्ड। इन विच बुक ऑफ कालिदास द स्टोरी ऑफ शिवा पार्वती मैरिज इज डिस्क्राइब्ड। कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका, ध्यान रखना है, कालिदास की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें से दो महाकाव्य हैं, दो खंड काव्य हैं, और तीन नाटक हैं, यही हमें प्राप्त होते हैं इनकी रचनाओं में से। उनमें से जो कुमार संभव, कुमार संभव क्या है, एक एपिक पोयम है, महाकाव्य है, और इसी में शिव पार्वती विवाह का वर्णन प्राप्त होता है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे प्रदान किया गया है। 2020 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे प्रदान किया गया है, सतीश व्यास को, कुमार बेचैन को, के शिवा रेड्डी को, या शिव ओम अंबर को। दो हजार बीस का कवि प्रदीप सम्मान इनमें से किसे प्रदान किया गया है, आंसर होगा इसका डी, यानी कि शिव ओम अंबर को। दोस्तों ध्यान रखना है, 2020-21 के जो अवार्ड्स प्राप्त दान किए गए हैं उनमें से महत्वपूर्ण अवार्ड्स की सूची अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जो मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से, वहां पर एजुकेटर कम्युनिटी में पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ है, आप लोग सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है, विच इज द साउथ इंडियन स्टाइल टेम्पल इन मध्य प्रदेश। दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर इनमें से कौन सा है, खजुराहो का मंदिर, तेली का मंदिर, भैरव का मंदिर, या नचना कुठार का मंदिर। इनमें से आंसर क्या होगा, ये तेली का मंदिर जो है ये दक्षिणी भारतीय शैली का एकमात्र मंदिर माना जाता है ये उत्तर भारत में, और ये जो है तेली का मंदिर है जो कि ग्वालियर में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा कहां पर अवस्थित है, ग्वालियर में अवस्थित है, द्रविड़ शैली में इसका निर्माण किया गया, दक्षिण भारतीय शैली जिसे कहा जाता है। आंसर होगा इसका क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की कल्प वृक्ष योजना किससे संबंधित है। द कल्प वृक्ष स्कीम ऑफ द मध्य प्रदेश ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज रिलेटेड विद
मध्य प्रदेश सरकार की कल प्रवच योजना आपको बताना है किससे संबंधित है। प्राची परमार जी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जाइएगा, मेरी प्रोफाइल पर फ्री क्लासेस लिखी होंगी, उन फ्री क्लासेस में लास्ट में आपको काफी क्लासेस मिलेंगी, उसी में आपको एक बार जाकर के चेक कर लीजिए। जो फ्री क्लासेस हैं मेरी प्रोफाइल पर, उस फ्री क्लासेस में लास्ट में आपको काफी एमपी जीके की संपूर्ण क्लासेस आपको प्राप्त हो जाएंगी। आंसर क्या होगा इसका, ब्रीडिंग इन बेटर क्वालिटी ऑफ इंसेक्ट्स फॉर सिल्क, यानी कि रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता के कीड़ों में प्रजनन के लिए यह कल्प वृक्ष योजना है। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुख्य कोयला क्षेत्र है, विच रीजन इज द मेन कोल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, विच रीजन इज द मेन कोल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा पेटू या मध्य भारत का पठार। आंसर क्या होगा इसका, मुख्य कोयला क्षेत्र है, आंसर होगा इसका इसमें बघेलखंड का पठार जो है, ये बघेलखंड का पठार जैसे आपका सहडोल है, हालांकि इसके अलावा भी इसमें प्रमुख रूप से सिंगरौली से लेकर के और ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, ये सिंगरौली से लेकर के और यहां पर छिंदवाड़ा तक का ये जो बेल्ट है, ये पूरे के पूरे बेल्ट में मुख्य कोयला क्षेत्र माना जाता है ये। तो आंसर यहां पर होगा, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोक चित्र संपूर्ण मध्य प्रदेश से संबंधित है, लगभग किसी पर्टिकुलर एक खास क्षेत्र का नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस प्रकार का लोक चित्र जो है बनाया जाता है, प्रचलित है, आपको बताना है इनमें से वह कौन सा लोक चित्र है, मामूलिया, दगेहर, संजापुली या छठी। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका ध्यान रखिएगा, मामूलिया जो है ये किस अंचल का है, बुंदेलखंड अंचल का है। मामूलिया क्या है, बुंदेलखंड अंचल का लोक चित्र है। इसके अलावा दगेहर कहां का है, दगेहर ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में प्रचलित है, दगेहर या अंग्रोहन इसे कहा जाता है, बघेलखंड दोनों में प्रचलित है ये। इसके अलावा संजापुली ये लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश का है और आंसर होगा इसका, आंसर होगा इसका डी। और ये छठी जो है ये बघेलखंड अंचल का लोक चित्र है, शिशु जन्म के छठवें दिन ये पर्टिकुलर चित्र बनाया जाता है बघेलखंड में। आंसर यहां पर होगा इसका सी, आंसर होगा इसका ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा इसका सी, संजापुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तनवीर आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस पर्टिकुलर एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और रहे हैं, प्रसिद्ध पर्सनालिटी रहे हैं, किस पर्टिकुलर क्षेत्र से इनका संबंध रहा है, ये एक संगीतकार थे, नाटककार थे, नृत्यकार थे या लेखक थे, ऑथर थे, दैट मीन्स म्यूजिशियन, ड्रामेटिस्ट, डांसर और द ऑथर। आंसर होगा इसका हबीब तनवीर एक ड्रामेटिस्ट थे, यानी कि ये क्या थे, नाटककार थे। आंसर होगा इसका बी, यानी कि नाट्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र कहां पर, किस क्षेत्र में स्थित है, पाथरखेड़ा कोल एरिया इज लोकेटेड एट, चलिए गुड, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र आपको बताना है कि संचल से संबंधित है, आंसर होगा इसका पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, ये बैतूल जिले में है, प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र ये, कहां पर, बैतूल जिले में प्रसिद्ध है, आंसर बैतूल जिले का क्षेत्र ये, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीरगढ़ की पहाड़ियां, असीरगढ़ की पहाड़ियां इनमें से किस पर्टिकुलर रेंज का पार्ट है, असीरगढ़ हिल्स आर द पार्ट ऑफ विच रेंज, मैकाल, राजपीपला, कैमूर और विंध्य। जल्दी से बताना है आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका ये राजपीपला का पार्ट है। असीरगढ़ कहां पर है, बुरहानपुर में है, असीरगढ़ कहां पर है, बुरहानपुर में है और ये किसका पार्ट है, ये आंसर होगा इसका बुरहानपुर का पार्ट है, यानी कि राजपीपला सीरीज का पार्ट है सतपुड़ा का, ये पश्चिमी भाग, यानी कि आंसर होगा इसका बी। मैकाल आपका ये वाला पार्ट है,
जो अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है और कैमूर विंध्य का ईस्टर्न एक्सटेंशन है, और तो यानी कि आंसर होगा जाएगा इसका राजपिपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है। मध्य प्रदेश के कुछ फॉल्स के नाम लिखे गए हैं, यानी कि वाटर फॉल्स के जलप्रपात के नाम लिखे गए हैं और उनसे संबंधित कुछ नदियां दी गई हैं, यानी कि जिस पर्टिकुलर नदी में वो वाटर फॉल संबंधित है जिस नदी से, तो उनमें से आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी जो है वो सही नहीं है। रंगीन वाटरफॉल केन रिवर, कपिलधारा वाटरफॉल नर्मदा रिवर, चचाई फॉल्स बिहड़ रिवर और पाताल पानी फॉल्स छिप्रा रिवर के बारे में यहां पर बताया गया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, जल्दी से बताएंगे। कौन सा सही नहीं है जल्दी से। चलिए, काफी लोगों ने सही आंसर दिया। बिल्कुल आंसर होगा इसका डी, पाताल पानी, ये गलत है। रमे केन नदी बिल्कुल सही है, कपिल धारा नर्मदा नदी बिल्कुल सही है, अनूपपुर, इसके अलावा चचाई बिहड़ नदी रीवा बिल्कुल सही है, और ये जो है आपका चोरल नदी पर अवस्थित है पाताल पानी इंदौर जिले में। आंसर होगा जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्राइब फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको बताना है यहां पर तीन विशेषताएं दी गई हैं और इन तीन विशेषताओं को पढ़ करके इनमें से किसी एक जनजाति को बताना है किस जनजाति के संबंध में ये तीन बातें, तीन जानकारी, तीन इंफॉर्मेशन यहां पर प्रदान की गई। जल्दी से बताना है। आइडेंटिफाई द ट्राइब इन इंडिया विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है, इट इज अमंग द लार्जेस्ट ट्राइब्स इन सेंट्रल इंडिया, स्प्रेड इन मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद इट्स विद नेम एज द पीपल ऑफ विद इट्स नेम एज द पीपल ऑफ दिस ट्राइब पेंट देयर वॉल्स विद वाइब्रेंट डिपिक्शंस ऑफ लोकल फ्लोरा फौना एंड गॉड्स। यानी कि स्थानीय वनस्पतियों, जीवों और देवताओं के जीवंत चित्रण को से रंगते हैं। इसके अलावा द मस्ट आर्ट गैलरी इन न्यू दिल्ली डेडिकेटेड टू द पेंटिंग्स ऑफ पेंटिंग आर्ट बाय दिस ट्राइब भील गोंड गराशिया और बैगा में से आपको बताना है। ये जो डिपिक्शंस होता है यानी कि चित्रण किया जाता है किसका, फ्लोरा एंड फौना का। ये फ्लोरा और फौना का प्लस इसके अलावा गॉड्स यानी कि देवताओं का ये चित्रण इनमें से किस पर्टिकुलर चित्रकला, किस जनजाति की चित्रकला में किया जाता है। आंसर होगा इसका भील गोंड और गराशिया और बैगा में से बताना है। आंसर होगा इसका गोंड ट्राइब में ये प्रसिद्ध है। यानी कि आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका गोंड जनजाति जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आंसर होगा इसका गोंड ट्राइब, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनमें से कौन सी नदी है, इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है बताना है। चंबल नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी या इनमें से कोई नहीं। चंबल, ताप्ती, सोन या नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा इसका, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंसर होगा इसमें, देखिए, चंबल नदी ये यमुना की सहायक नदी है, ये समुद्र में जाकर के गिरती ही नहीं है। ताप्ती नदी ये है आपकी जो ये अरब सागर में गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है, सागर में तो गिरती है लेकिन अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, गंगा में जाकर के मिलती है, समुद्र में मिलती ही नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर बताइए कि ये किस व्यक्तित्व के संबंध में चर्चा की गई। कंसीडरिंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी फॉलोइंग पॉइंट्स टेल विच पर्सनालिटी इज डिस्कस्ड इन रिलेशन टू। आपको यहां पर बताना है, दो पर्टिकुलर वाक्य पढ़ना है, दो पर्टिकुलर विशेषता पढ़ना है, दो जानकारी पढ़ना है और किस जानकारी इंफॉर्मेशन के आधार पर बताना है कि किस व्यक्तित्व के चरित्र के संबंध में ये दो जानकारी, दो इंफॉर्मेशन दी गई है। किस व्यक्तित्व के संबंध में यहां पर चर्चा की गई है। पहला कहा गया है, इनका मूल नाम
बाल कृष्ण आनंद राव आपटेकर था। मूल नाम क्या था? बाल कृष्ण आनंद राव आपटेकर। दूसरा है, इन्होंने संगीतोपासना नामक संगीत के ऊपर ग्रंथ की रचना की है, यानी कि संगीतोपासना नामक ग्रंथ की रचना की। तो आपको बताना है ये बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर किसका नाम था और संगीतोपासना की रचना किसने की है। तो दो कथन आंसर क्या होगा इसका ध्यान रखिएगा। ये हालांकि यहां पर जितने भी नाम लिखे गए हैं चारों ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, तो इनमें से आपको बताना है कृष्णराव पंडित, पंडित कार्तिक राम कुमार गंधर्व या राजा भैया पूंछ वाले। आंसर होगा इसका डी, राजा भैया पूंछ वाले। आंसर क्या होगा इसका? राजा भैया पूंछ वाले। इनका मूल नाम बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर था और इन्होंने संगीतोपासना नामक ग्रंथ की रचना की है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने संगीतोपासना नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान गलत है। एक्चुअली पूंछ वाले क्यों नाम है, क्योंकि इनका झांसी यानी कि बुंदेलखंड में पूंछ नामक एक जागीर थी। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, राजा भैया पूंछ वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा मिलान गलत है। मध्य प्रदेश के जनजातियों के संबंध में कुछ नृत्य के नाम लिखे गए हैं, जनजाति नृत्य ट्राइबल डांस लिखे गए हैं, और इन ट्राइबल डांस को पढ़ने के बाद आपको बताना है कौन सी जनजाति के संबंध में वो ट्राइबल डांस जो पेयर पेयरिंग की गई है वो गलत है। यहां पर देखिए, कर्मा डांस बिल्कुल सही है, बैगा और गोंड जनजाति में प्रचलित है, जो मध्य प्रदेश के लगभग डिंडोरी बालाघाट मंडला जिलों में प्रमुख रूप से जनजातियां पाई जाती है। घूमर नृत्य भी बीर जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, हालांकि विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित है। इसके अलावा परधोनी बैगा जनजाति से है, ये परधोनी है और बैगा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल सही है। भड़म गलत है, ये भड़म कोरकू जनजाति का नहीं है, भड़म सैलम अहिराई ये किसका है, भारिया जनजाति का। किसका है? भारिया जनजाति का। और जो कोरकू जनजाति का है वो खम स्वांग है, थापी है, चटकोरा है, वो कोरकू जनजाति का है। यहां पर आंसर क्या होगा इसका? डी। आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है। विच मीन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को टच नहीं करता है। भिंड, सतना, शिवपुरी और शिवपुर में से बताना है। तो देखिए, भिंड, सतना और आपका शिवपुरी, शिवपुरी तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करता है, ये तीनों के तीनों जिले टच करते हैं, ये शिवपुर आपका टच नहीं करता है, ये सिर्फ राजस्थान को टच करता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये अवस्थित है, चंबल का बेल्ट है ये, और ये आंसर होगा मध्य भारत के पठार में, आंसर हो जाएगा डी। ये एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, द फर्स्ट वेमन जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द फर्स्ट वेमन जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश आपको बताना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, इसमें से आंसर क्या होगा? देखिए, आंसर यहां पर होगा सरोजिनी सक्सेना। क्या होगा? सरोजिनी सक्सेना। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आज तक एक भी महिला जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ये तथ्य आपको याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश, यदि महिला मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए, ना तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के और ना तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, पहली महिला न्यायाधीश आंसर होगा सरोजिनी सक्सेना। और यदि आपसे पूछा जाए ये पहली महिला गवर्नर थी मध्य प्रदेश की, और निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली चीफ सेक्रेटरी थी, महिला चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट वेमन चीफ सेक्रेटरी, तो आंसर हो जाएगा इसका यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ मध्य प्रदेश कंप्राइजेज गोंडवाना रीजन। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को गोंडवाना का क्षेत्र कहा जाता है, बताना है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को गोंडवाना का क्षेत्र कहा जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, साउथ वेस्ट, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश। यानी कि यदि आपको ये सीधा सीधा आप बनाइए तो इनमें से गोंडवाना का क्षेत्र कौन सा है? यदि आप देखें तो ये क्या है, नॉर्दर्न पार्ट है, ये साउदर्न पार्ट है, ये आपका वेस्टर्न पार्ट और ये ईस्टर्न पार्ट। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा क्षेत्र है जो गोंडवाना का क्षेत्र है। गोंड वंश का केंद्र, गोंड वंश का शासन किस क्षेत्र में था?
ये पर्टिकुलर जो क्षेत्र है मंडला, डिंडोरी, इवन जबलपुर, ये आपका बालाघाट, ये जो क्षेत्र है गोंडवाना का क्षेत्र, यानी कि कौन सा पार्ट हुआ? दक्षिणी पूर्वी पार्ट। और दक्षिणी पूर्वी पार्ट कहां पर लिखा हो गया है? आंसर होगा इसका बी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गोंडवाना क्षेत्र, सॉरी सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्षी नेता, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ मध्य प्रदेश, हेलो हेलो अनुज, बिल्कुल याद हो डियर, हेलो, आपके साथ इशू हुआ था, सही हो गया? चलिए गुड, मोस्ट वेलकम, काफी दिनों के बाद आगमन हुआ है। फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन आपको बताना है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, आंसर होगा इसका क्या? आंसर होगा ये विष्णुनाथ तामस्कर, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन विष्णु विनायक सरवटे, ये विष्णुनाथ सरवटे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे। इसके अलावा ये एच वी पाटस्कर है जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, आंसर होगा इसका विष्णुनाथ तामस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन धर्म के 108 मंदिर अवस्थित हैं? जैन धर्म से संबंधित 108 टेम्पल्स, अच्छा दूसरी आईडी है, चलिए कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम, 108 टेम्पल्स ऑफ जैन्स, आंसर क्या होगा इसका? ध्यान रखिएगा, आंसर होगा इसका सोनागिरी दतिया, सोनागिरी दतिया 108 टेम्पल्स, जैन धर्म से संबंधित ये सभी प्रसिद्ध केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपिया स्तंभ शिलालेख, सुपिया स्तंभ शिलालेख, सुपिया पिलर इंक्रिप्शन कहां पर प्रसिद्ध है, कहां पर पाया गया है? मार्क्स थे, दैट मीन 63 क्वेश्चन, तो मतलब आप कितने क्वेश्चन से रह गए? दो तीन क्वेश्चन से आप रह गए, चलिए कोई बात नहीं, इस बार आप निकल जाएंगे, लगे रहिए, हिम्मत नहीं हारना है और बिंदास तरीके से तैयारी करना है, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि इस बार तो होगा ही होगा। ठीक है, मेहनत करिए, मेहनत। आंसर क्या होगा इसका? सुपिया स्तंभ लेख कहां पर है? आंसर होगा इसका सी, यानी कि रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवा और दीदी, बेवा और दीदी किस नदी के प्राचीन नाम है? किस नदी को के प्राचीन नाम? गुड, बेवा और दीदी के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा इसका ये वेन गंगा नदी है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में बहती है ये वेन गंगा नदी, को पहले पुराणों में इवन क्या कहा गया है? वेबा और दीदी के नाम से पुकारा गया है, यानी कि आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्टिको अ ग्रैंड गॉज विद अ 300 फीट टावरिंग क्लिफ इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश? हार्टिको 300 फीट ऊंची चट्टान के साथ एक भव्य ऊंची और ढाली चट्टान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? हांडीको एक चट्टान है, एक क्या है? चट्टान है, 300 फीट टॉवरिंग क्लिफ है, क्या आपको बताना है कहां पर है? हां बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, पैशन आकांक्षा, गुड, आंसर क्या होगा इसका? ये पचमढ़ी में अवस्थित है, आंसर क्या होगा इसका? ये पचमढ़ी में अवस्थित है, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा श्रृंखला नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर जिला है, कौन सा क्षेत्र यहां पर दिख रहा है जहां पर सतपुड़ा श्रृंखला नहीं है? सतपुड़ा श्रृंखला, आंसर क्या होगा इसका? सतपुड़ा श्रृंखला का देखिए बैतूल मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में है, और दक्षिणी भाग यहां पर है, यहां पर, यहां पर, ये श्योपुर जो है मध्य प्रदेश का, भी मैंने बताया आपका उत्तरी पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, राजस्थान को टच करता है, सो आंसर मध्य भारत का पठार, आंसर हो जाएगा इसका बी। इंदौर की राजधानी यानी कि होलकर वंश की, सीधे सीधे कहें तो होलकर वंश की राजधानी जो है महेश्वर से इंदौर किस वर्ष में स्थानांतरित की गई?
इंदौर यानी कि होलकर वंश की राजधानी महेश्वर जो कि खरगोन जिले में है नर्मदा नदी के तट पर, ये आपको बताना है इंदौर कब ट्रांसफर हुई थी। आंसर होगा इसका क्या 1818 में, ध्यान रखना है कब 1818 में, 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली गवर्नर बॉर्न इन द स्टेट, इन द स्टेट का मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल, एकमात्र राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ आपको बताना है ये कौन से राज्यपाल हैं। आंसर होगा इसका एनएन वांचू, आंसर क्या होगा इसका एनएन वांचू, इनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ, कहां पर मध्य प्रदेश के सतना जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पनिका जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस भाग में रहती है, पनिका ट्राइब रिसाइड्स मेनली इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, पनिका जनजाति मूल रूप से ये एक विविंग ट्राइब मानी जाती है, दैट मीन्स विविंग ट्राइब का मतलब कि बुनकर जनजाति मानी जाती है, इनका मेन एक्यूपेशन था, और ये मध्य प्रदेश के कहां पर रहती है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, यानी कि जो शहडोल सीधी वाला बेल्ट है, शहडोल सीधी सिंगरौली वाला बेल्ट है, यहां पर प्रमुख रूप से ये जनजाति पाई जाती है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवपुर किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, शिवपुर आपको बताना है किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, शिवपुर इज फेमस फॉर विच क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट, छीपा क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट या लेदे आर्ट। मध्य प्रदेश के तीन ऐसे क्षेत्र हैं, एक आपका शिवपुर, एक आपका बुधनी जो कि सीहोर में है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी यहीं से जो है विधायक हैं, इसके अलावा रीवा, ये जो है लेदे आर्ट के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। लेदे आर्ट यानी कि खराद कला, और खराद कला यानी कि लकड़ी का एक शिल्प होता है, ये कास्ट शिल्प, वुडन क्राफ्ट। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है, गुड बहुत बढ़िया, भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है आपको बताना है, भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है, फाल्या जो है ये भी, फाल्या जो है ये निवास स्थान है, और जो घर है उनको क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है, घरों को क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है, पिथौरा तो चित्रकला है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और गांव को क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है, सॉरी, निम्न में से कौन संगीतकार नहीं है, इनमें से बताना है मध्य प्रदेश के संगीतकार नहीं है, चार नाम लिखे गए हैं, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का संगीतकार नहीं है, देवयानी कृष्णा, कुमार गंधर्व, शंकर राव पंडित या कृष्ण राव पंडित। तो यहां पर आंसर क्या होगा इसका, ये तीनों मध्य प्रदेश के संगीतकार हैं, तीनों मध्य प्रदेश के संगीतकार हैं, लेकिन ये जो देवयानी कृष्णा है ये क्या है, मध्य प्रदेश के चित्रकार में इनकी गिनती होती है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पीर बुधान का मेला कहां पर आयोजित होता है, द फेयर ऑफ पीर बुधान इज ऑर्गेनाइज्ड इन, पीर बुधान का मेला कहां पर आयोजित होता है, चार नाम लिखे गए हैं, पोरसा, भामावद, सावरगांव और सोडलपुर, ये सोडलपुर है, सागर नहीं है, सोडलपुर है, ठीक है। तो पीर बुधान कहां पर, सामरा गांव में, पीर बुधान का मेला कहां पर लगता है, सामरा गांव में, और सामरा गांव कहां पर है, शिवपुरी में। कहां पर, शिवपुरी में, आंसर हो जाएगा इसका सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में टिन का उत्पादन किस जिले में होता है, टीन का उत्पादन आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है, सतना में, झाबुआ में, सिंगरौली में या बैतूल में, किस जिले में मध्य प्रदेश में टीन का उत्पादन होता है, आंसर क्या होगा इसका, टीन का उत्पादन के, टीन के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध जिला है वो बैतूल, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति का कुंभ मेला किसे कहा जाता है,
This fair among the following is called as the Kumbh Fair, Kumbh Mela or Bhil Tribe. भील जनजाति का कुंभ मेला इनमें से किसे कहा जाता है? भगोरिया, आखाती, बाणेश्वर और पिथौरा में से बताना है। आंसर होगा इसका, ये तो देखिए पिथौरा तो चित्रकला है, ये मेला है ही नहीं, चित्रकला है। इसके अलावा आखाती एक पर्व है, भगोरिया भी पर्व है, त्योहार है, मेला भी कहा जाता है। ये आंसर होगा इसका बाणेश्वर मेला। कहां पर लगता है? डूंगरपुर राजस्थान में। कहां पर? डूंगरपुर राजस्थान में लगता है। और ये ही जो है भील जनजाति का कुंभ मेला कहा जाता है। भगोरिया एक बड़ा पर्व है, बड़ा मेला भी आयोजित होता है, लेकिन जो कुंभ मेला कहलाता है वो बाणेश्वर मेला जो कि राजस्थान डूंगरपुर में आयोजित होता है प्रमुख रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, गुड। क्या हुआ अनुच्छेद जी, ओल्ड स्टूडेंट्स कहाँ गए हैं? सभी हैं यत्र तत्र, कुछ लोग अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर हैं, वहां की क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं या समय के अनुसार सब मैनेज करते हैं। जोबट परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जोबट प्रोजेक्ट एज, आंसर होगा इसका जोबट परियोजना, आंसर होगा इसका ये अलीराजपुर में है। कहां पर? अलीराजपुर में। इसको चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट भी कहा जाता है और ये हथनी नदी पर है, हथनी नर्मदा की सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में भरेवा शिल्प प्रसिद्ध है? भरेवा क्राफ्ट क्या है? एक मेटल क्राफ्ट है, एक धातु शिल्प है। ये धातु शिल्प भरेवा शिल्प आपको बताना है कहां पर प्रसिद्ध है, कहां पर फेमस है भरेवा शिल्प। आंसर क्या होगा इसका? भरेवा शिल्प कहां पर? बैतूल में प्रसिद्ध है। आंसर होगा जाएगा इसका डी, बैतूल में भरेवा शिल्प प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल को एक नए जिले के रूप में कब स्थापित किया गया? भोपाल एक नए जिले के रूप में कब स्थापित हुआ है बताना है, एक नए जिले के रूप में भोपाल कब स्थापित हुआ है? आंसर होगा इसका 26 नवंबर 1972 को। कहां से? सीहोर से अलग होकर के 1972 तक सीहोर जो है, भोपाल जो है ये सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी, लेकिन इसको 1972 में अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा राजधानी ये 1956 में ही बन गया था, राजधानी पहले से थी, राजधानी 1956 में ही बन गई थी, लेकिन जिला 1972 में बना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा उत्सव का आयोजन, मालवा उत्सव इनमें से किस पर्टिकुलर स्थान में नहीं होता है? मालवा उत्सव इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन, मालवा उत्सव कहां पर आयोजित नहीं होता? उज्जैन, मांडू, ओरछा या इंदौर में से बताना है। मालवा उत्सव का आयोजन कहां नहीं होता है? आंसर होगा इसका मालवा उत्सव का आयोजन ओरछा में नहीं होता, ओरछा बुंदेलखंड का पार्ट है, मालवा का पार्ट नहीं है ये। उज्जैन, मांडू और इंदौर ये मालवा के पार्ट हैं। आंसर होगा इसका क्या? ओरछा। आंसर होगा यहां पर ओरछा उत्सव का ही आयोजन होता है, ओरछा निवाड़ी जिले में अवस्थित है, बुंदेलखंड के रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरियर एल्विन ने किस जनजाति पर पुस्तक लिखी है? बहुत सही, काफी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, गुड। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर अनुज अभी क्लासेस चल रही थी एमपी जीके की ही थ्योरी एमसीक्यू, एमपी मध्य प्रदेश का इतिहास की क्लासेस जरूर चल रही हैं, अभी कुछ दिनों से बंद है, जल्दी हम उनको पुनः रिस्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास की क्लासेस, थ्योरी क्लासेस। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका वैरियर एल्विन ने बैगा जनजाति के ऊपर द बैगाज नाम से पुस्तक लिखी है, ध्यान रखिएगा द बैगाज नाम से पुस्तक लिखी है वैरियर एल्विन ने। आंसर क्या होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़ी आपको बताना है, इनकरेक्ट पेयर, इनमें से कौन सी जोड़ी मध्य प्रदेश के कुछ अलग अलग चित्रकलाएं प्लस इसके अलावा चित्रकलाएं ही दी गई हैं यहां पर, तो आपको बताना है कौन सी गलत है। पिथौरा चित्रकला, काचली चित्रकला, नवरथ है ये, नवरथ चित्रकला, नेवरनमे बघेलखंड,
तो यहां पर आंसर होगा, देखिए पिथौरा चित्रकला भील जनजाति का काफी प्रसिद्ध चित्रकला है, ये भील जनजाति की भूरी बाई इसके प्रसिद्ध कलाकार भी हैं, पेमा फालिया इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, काचली निमाड़ अंचल का बिल्कुल सही है प्रमुख रूप से विवाह के स्तर पर। इसके अलावा नवरथ, ये नवरथ गलत है क्योंकि नवरथ जो है ये भी आपका निमाड़ अंचल का है, नवरथ कहाँ का है, निमाड़ अंचल की चित्रकला है और नेऊर नवे बघेलखंड अंचल की ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये नवरथ जो है ये निमाड़ अंचल में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान रखिएगा ये काफी प्रसिद्ध चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस फॉर पॉटरी इंडस्ट्री, पॉटरी उद्योग के लिए इनमें से कौन सा पर्टिकुलर जिला है, कौन सा क्षेत्र है जो प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल सी, इस क्वेश्चन को बताना है पॉटरी इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा पर्टिकुलर क्षेत्र प्रसिद्ध है, इंदौर दतिया ग्वालियर या मुरैना। आंसर होगा इसका पॉटरी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है कौन, ग्वालियर प्रसिद्ध है क्षेत्र, ग्वालियर प्रसिद्ध है, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी हरिदास इसमें से किसके गुरु थे, स्वामी हरिदास को इनमें से किसी एक संगीतकार म्यूजिशियन के मेंटर के रूप में जाना जाता है और आपको बताना है इनमें से किसके मेंटर थे, किसके गुरु थे, अलाउद्दीन खां के उस्ताद अलाउद्दीन खां के, उस्ताद आमिर खां के, कुमार गंधर्व के या तानसेन के। आंसर होगा इसका रामतनु पांडे, तन्ना मिश्रा या तानसेन के नाम से जाने जाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल लिटरेसी रेट यानी कि मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर आपको बताना है, मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर आपको बताना है इनमें से। आंसर क्या होगा इसका, महिला साक्षरता दर होगा डी यानी कि 59.2%, 59.2% ये महिला साक्षरता दर है और 63.9 यहां पर नहीं लिखा गया, सो रूरल लिटरेसी रेट है। आंसर होगा जाएगा इसका डी यानी कि 59.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद मंद ख्याल गायकी की शुरुआत किसने किसने की थी, किसको जाना जाता है मंद मंद ख्याल गायकी की शुरुआत करने वाला। तानसेन, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां या आमिर खान। मंद मंद ख्याल गायकी की शुरुआत इंदौर घराने के जन्मदाता जिन्हें उस्ताद आमिर खां कहा जाता है, ये इन्होंने ही मंद मंद ख्याल गायकी की शुरुआत की थी। आंसर होगा इसका क्या, आंसर होगा इसका उस्ताद आमिर खां, जन्म इंदौर में हुआ। सही जोड़ी आपको बताना है, मध्य प्रदेश के कुछ साहित्यकारों के नाम लिखे गए हैं, कमीशन के क्वेश्चन नहीं, वो फुल सिलेबस टेस्ट होता है उसमें रहते हैं कमीशन के क्वेश्चन, जो फुल सिलेबस टेस्ट होता है उसमें कमीशन के क्वेश्चन रहते हैं और प्लस क्लास भी कमीशन की चल रही है वहां पर भी रहते हैं। सही जोड़ी आपको बताने इसमें से, देखिए हरिशंकर परसाई समारोह इंदौर लिखा है ये गलत है क्योंकि ये कहां पर होता है, ये आपका होशंगाबाद में होता है। इसके अलावा ये आपका लिखा गया कालिदास समारोह, ये आपका गलत है क्योंकि कालिदास समारोह कहां पर होता है, उज्जैन में होता है। कालिदास समारोह कहां पर होता है, उज्जैन में। भवानी प्रसाद मिश्रा समारोह होशंगाबाद बिल्कुल सही है यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैनाल पुल्ड आउट अंडर द बेतवा वैली डेवलपमेंट स्कीम, बेतवा घाटी विकास परियोजना के तहत बनाई गई इनमें से कौन सी नहर निकाली गई है, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत कौन सी नहर निकाली गई है, लंगटपुर, हलाली, सिंगापुर या पंचापुर। आंसर क्या होगा इसका बी यानी कि हलाली कैनाल यानी कि हलाली नहर निकाली गई है सिंचाई के लिए, आंसर हो जाएगा इसका बी। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था 1956 में। तो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तब आपको बताना है कि उस समय तत्कालीन रूप से मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। तो देखिए मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तब मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, कितने 43 यानी कि 1956 में। इसके बाद दो और नए जिले बन गए, तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही भाग था, 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो यानी कि ये 1972 में उनमें से भोपाल एक था और तो ये आपका 1972 में दो और नए जिले बन गए, टोटल कितने हो गए 45।
इसके अलावा 1998 में 16 और जिले बन गए, कितने जिले, 16 और जिले बन गए 98 में, यानी कि कितने हो गए आपके 45 और 16 61 प्लस इसके अलावा फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हो गया, तो छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया 2000 में तो पुनः जो है 16 जिले माइनस हो गए, कहां पर छत्तीसगढ़ में चले गए, ये माइनस हो गए, तो पुनः कितने बच गए आपके 45 जिले। लेकिन इसके अलावा समय समय पर मध्य प्रदेश में कई और अन्य जिले भी, यानी कि जैसे अभी 52 जिले हो गए हैं, तो उसमें से नए जिले जुड़ते गए और इस प्रकार से टोटल मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई, टोटल हो गई अभी वर्तमान में 52 जिले। आंसर हो जाएगा इसका क्या, आंसर हो जाएगा 43 जिले थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल, निमाड़ अंचल का फोक ड्रामा ऑफ निमाड़ अंचल का इनमें से कौन सा लोक नाट्य है, कौन सा लोक नाट्य इसमें से निमाड़ अंचल का है, आंसर होगा इसका, देखिए माच जो है ये मालवा अंचल का लोक नाट्य है, स्वांग जो है ये बुंदेलखंड अंचल का लोक नाट्य है, बुंदेलखंड का, और इसके अलावा राई जो है ये नृत्य है बुंदेलखंड अंचल का, इसके अलावा गम्मत और रासलीला ये दो प्रसिद्ध लोक नाट्य है किधर के, निमाड़ अंचल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द फेमस सिटी विराटपुरी ऑफ महाभारत पीरियड इज सिचुएटेड प्रेजेंटली सिचुएटेड इन विराटपुरी, महाभारत काल का एक प्रसिद्ध स्थल किनमें से किसे, किस जिले में अवस्थित माना जाता है, आंसर होगा इसका डी, विराटपुरी कहां पर है, शहडोल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू ग्वालियर, इनमें से किसका संबंध ग्वालियर से नहीं रहा, इनमें से किसका संबंध ग्वालियर से नहीं रहा आपको बताना है। चलिए गुड, बहुत सही, बिल्कुल सही, सभी लोग बता रहे हैं। देखिए इनमें से सभी का संबंध एक्चुअल में ग्वालियर से रहा, इनमें से राजा भैया पूंछ वाले का बीच भी जन्म ग्वालियर में हुआ, उस हरकृष्ण राव पंडित भी ग्वालियर से संबंधित रहे, उस्ताद हाफिज खां ये सिंधिया राजवंश में रहे भी, राजाश्रय भी प्राप्त था, आंसर होगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी संबंधित थे, सभी संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परधोनी इनमें से निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नृत्य है, 11 बजे से डेली क्लास रहती है ये, परधोनी आपको बताना है किसका लोक नृत्य है, किसका कौन किस जनजाति का जनजाति नृत्य है, आंसर होगा इसका परधोनी किसका है, बैगा जनजाति का, आंसर होगा इसका बैगा जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोंड जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है, इनमें से बताना है गोंड ट्राइब में कौन सा डांस फेमस है, विच डांस इज फेमस इन गोंड ट्राइब, आंसर होगा इसका, देखिए जो कर्मा है ये कर्मा एक्चुअल में गोंड और बैगा दोनों जनजाति में प्रचलित है, गोंड और बैगा, बैगा जनजाति का जो कर्मा होता है उसे बैगा ही कर्मा कहा जाता है। लहंगे आपका ये सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है, किस जनजाति का, सहरिया जनजाति का, परधोनी जो है ये बैगा जनजाति का है, और थापटी जो है ये कोरकू जनजाति का है, थापटी किसका है, कोरकू जनजाति का, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ए कर्मा डांस गोंड जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द गंधर्व कॉलेज, गंधर्व महाविद्यालय का जो नाम वास्तव में था शंकर गंधर्व महाविद्यालय नाम है, और ये कहा इसका इसका मीन्स इसकी स्थापना किसने की, कृष्ण राव पंडित ने, आंसर क्या होगा इसका, ग्वालियर में अवस्थित है ये, कहां पर, ग्वालियर में अवस्थित है, और आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर छीपा क्राफ्ट, छीपा शिल्प के लिए, छीपा प्रिंट ये शिल्प के लिए प्रसिद्ध आपको जिला बताना है कौन सा है, हाँ पहला वाला ही टाइम है बिल्कुल, छीपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला बताना है आपको, बैतूल उज्जैन झाबुआ या रतलाम, छीपा शिल्प के लिए प्रसिद्ध जिला है जो ये है उज्जैन, भैरवगढ़ इसके लिए काफी प्रसिद्ध केंद्र है, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम डिफरेंस बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट, टाइम डिफरेंस बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट,
आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका 34 मिनट. 34 मिनट ये एक्चुअल में होता है 33.6 मिनट. तो ये आपका राउंड फिगर में कितना हो गया? 34 मिनट, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी. पूर्व से पश्चिम के बीच. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइब्स रेसिडेंशियल प्लेस इज कॉल्ड एज सहराना. किस जनजाति के निवास स्थान को सहराना कहा जाता है? किस जनजाति के निवास स्थान को सहराना कहा जाता है? वीर गोंड सहरिया, यानी से कोई नहीं. आंसर होगा इसका सी, यानी कि सहरिया जनजाति के निवास स्थान को सहराना कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इन द फॉलोइंग इज द मिडाइवल लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकार इनमें से कौन है? कौन नहीं है मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकार? आंसर क्या होगा इसका? देखिए, पद्माकर मध्यकालीन साहित्यकार हैं, भूषण मध्यकालीन साहित्यकार हैं, आचार्य केशव मध्यकालीन साहित्यकार हैं. इनमें से आंसर हो जाएगा मिल्टन ऑफ इंडिया, जिन्हें कहा जाता है, यानी कि भवभूति. ये क्या है? प्राचीन कालीन साहित्यकार है मध्य प्रदेश के. यानी कि आंसर जो हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका मिल्टन ऑफ इंडिया, सी भवभूति. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टचेज द बाउंड्री ऑफ बोथ राजस्थान एंड गुजरात. मध्य प्रदेश और का कौन सा जिला गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को टच करता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को टच करता है? देखिए, इसमें से बुरहानपुर ये सिर्फ राजस्थान सिर्फ महाराष्ट्र को टच करता है, बड़वानी सिर्फ महाराष्ट्र को टच करता है, बालाघाट छत्तीसगढ़ और तक महाराष्ट्र को टच करता है. इसके अलावा बचा कौन सा? आपका अलीराजपुर, जो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर में अवस्थित है. यानी कि आंसर क्या होगा जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवी इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट अमंग द फॉलोइंग. मालवी मालवा के क्षेत्र में बोली जाती है, तो इनमें से कौन सा जिला है जो मालवा के क्षेत्र में अवस्थित है? सीधा सीधा प्रश्न है, शाजापुर, टीकमगढ़, दतिया और छिंदवाड़ा में से आपको बताना है. आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका मालवा. मालवी जो है ये शाजापुर, मालवा का क्षेत्र जो है इसमें से वो कौन सा है? शाजापुर, यानी कि आंसर होगा इसका ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनाकी डांस इज रिलेटेड टू विच ट्राइब. बिनाकी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है बताना है. बिनाकी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बिनाकी नृत्य का संबंध इनमें से आंसर होगा इसका. बिनाकी एक्चुअल में कोई जनजाति से जनजाति नृत्य नहीं है, ये सभी पर्टिकुलर जातियों जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है. किसानों का नृत्य है, भोपाल के आसपास के किसानों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है. तो आंसर हो जाएगा इसका डी, भोपाल के आसपास के द्वारा आसपास के किसानों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है. आंसर हो जाएगा इसका क्या? आंसर हो जाएगा इसका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण लंबाई आपको बताना है. यानी कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का मतलब समझ गए आप. देखिए, ये जो है आपका सबसे उत्तरी जो जिला है वो है मुरैना. सबसे उत्तरी जिला है वो क्या है? मुरैना. और मुरैना में से आपको बताना है, सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, और मुरैना से लेकर के और आपको बुरहानपुर तक की डिस्टेंस बताना है. और इसके अलावा ये जो डिस्टेंस है सिंगरौली से लेकर के अलीराजपुर की जो डिस्टेंस है वो भी बता दीजिए आप. आंसर होगा इसका, देखिए यहां पर ये 605 किलोमीटर है, ये 870 किलोमीटर है. यानी कि आंसर हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ पूछा गया है. आंसर हो जाएगा इसका क्या? 605 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज नोन एज. मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष को किस उपनाम से जाना जाता है? उपनाम पूछा गया है यहां पर. आंसर होगा इसका विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है. किस नाम से? विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है पंडित कुंजीलाल दुबे को. पंडित कुंजीलाल दुबे को किस नाम से जाना जाता है? विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खम्बे स्वांग इज अ फेमस ट्राइबल डांस ऑफ विच ट्राइब.
खमखम सॉन्ग एक प्रसिद्ध जनजाति नृत्य है, ये किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है आपको बताना है। खम सॉन्ग भारिया सहरिया अगरिया या इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा इसका डी। खम सॉन्ग जो है ये किसका नृत्य है, ये कोरकू जनजाति का है। किसका? कोरकू जनजाति का, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख रूप से सतपुड़ा के क्षेत्र में बैतूल होशंगाबाद के क्षेत्र में पाई जाती है, और ये खम सॉन्ग चटका चटकोरा थापटी ये सभी कोरकू जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, द लैंग्वेज स्पोकन द डायलेक्ट स्पोकन इन साउदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली जो बोली है इनमें से कौन सी है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली बोली कोरकू बुंदेली मालवी और ब्रज भाषा में से बताना है। देखिए ब्रज भाषा मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बोली जाती है, मालवी जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाती है, बुंदेली जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी पार्ट या इवन उत्तरी पूर्वी उत्तरी सीधे सीधे कह सकते हैं, और कोरकू जो है ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में जनजाति रहती है। सो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द महाकाव्य ऑफ कालिदास, इनमें से कालिदास का महाकाव्य कौन सा है बताना है। इनमें से कालिदास का महाकाव्य कौन सा है, विश्व संहार मेघदूत रघुवंश या ऑल ऑफ द एबव। बताना है कालिदास का महाकाव्य, कालिदास का महाकाव्य इनमें से कौन सा है, रघुवंश। रघुवंश और कुमार संभव, रघुवंश और कुमार संभव दो महाकाव्य हैं, ऋतु संहार और मेघदूत दो खंड काव्य हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्नि मित्रम और आपका विक्रमोवर्षीयम ये तीन खंड तीन नाटक हैं, तीन ड्रामा हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी, रघुवंश और कुमार संभव महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who calls the session of Legislative Assembly of Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है, यानी कि सत्र कौन बुलाता है। तो किसी भी राज्य के विधानसभा का जो सत्र बुलाने की शक्ति है, सत्र बुलाने की जो जिम्मेदारी है, वो राज्य के राज्यपाल की होती है। किसकी? राज्य के राज्यपाल की, यानी कि आंसर होगा इसका गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पनिका इज रिलेटेड टू, पनिका जनजाति किससे संबंधित है, पनिका जनजाति अपना संबंध किससे जोड़ती है। हाँ बिल्कुल, चलिए गुड। पनिका जनजाति अपना संबंध बताना है किससे जोड़ती है, पनिका जनजाति आंसर होगा इसका सी, यानी कि कबीर से अपना जन्म जोड़ती है, सबरी से कोल जनजाति अपना अपना संबंध जोड़ती है। कबीर और पनिका जनजाति का, पनिका जनजाति के कई जो है लोग जो है ये कबीर पंथी होते हैं, कबीर पंथ को मानते हैं, और इनका मानना ये है कि सबसे पहले कबीर को पनिका विमन ने ही पाया था। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद जोशी जो कि मध्य प्रदेश के साहित्यकार प्रसिद्ध व्यंग्यकार सटायरिस्ट रहे हैं, ये आपको बताना है इनका जन्म कहां पर हुआ, मध्य प्रदेश में इनमें से इन स्थानों में से विदिशा खंडवा होशंगाबाद या उज्जैन में। आंसर होगा इसका शरद जोशी का जन्म कहां पर हुआ, उज्जैन में। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रिलेटेड विद द रेसिडेंस ऑफ कोल ट्राइब, कोल जनजाति के निवास से संबंधित शब्द इनमें से कौन सा है, कोल जनजाति के निवास से संबंधित शब्द कस्बा कुटुंबकम टोला या इनमें से कोई नहीं। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के प्रमुख रूप से पूर्वी या हम सीधे सीधे कहूं तो रीवा संभाग में प्रमुख रूप से पाई जाती है, और इनका जो निवास से संबंधित शब्द यहां पर है उसे टोला कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, यानी कि मध्य प्रदेश के ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष, पहले ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि विरोध में कोई भी विधानसभा पद अध्यक्ष के अध्यक्ष का पद का उम्मीदवार नहीं था। काशी प्रसाद पांडे, कुंजीलाल दुबे, अर्जुन सिंह या गुलशेर अहमद। आंसर, ये मध्य प्रदेश के पहले ही विधानसभा अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे, जो कि निर्विरोध चुने गए थे, पहले अध्यक्ष भी थे और पहले निर्विरोध चुने जाने वाले भी अध्यक्ष यही थे। आंसर हो गया इसका पी।
दुलदुल घोड़ी, ये आपको बताना है किससे संबंधित है, किससे संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य है, दुलदुल घोड़ी का संबंध बताना है। दुलदुल घोड़ी आपको बताना है किससे संबंधित है, आंसर होगा इसका दुलदुल घोड़ी सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल डांस इज डन बाय विच ट्राइब, सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, उराव भील गोंड या कोरकू, तो सरहुल किससे संबंधित है, उराव जनजाति का नृत्य है, आंसर होगा इसका ए उराव जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अहिराई डांस इज रिलेटेड टू विच ट्राइब, अहिराई नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, बैगा भील तरताली या भालिया, अहिराई भड़म सैलम अहिराई ये तीन प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, किसके भालिया जनजाति के, भालिया जनजाति प्रमुख रूप से कहां पर छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में निवास करती है, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेवार शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रमुख रूप से किस जनजाति में प्रचलित है, बैगा कवार पनिका या भील, बेवार शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको बताना है, बेवार या पोंडू कहा जाता है और ये बैगा जनजाति में प्रसिद्ध है, भील जनजाति में चिमाता और बैगा जनजाति में बेवार या पोंडू, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ विच जियोग्राफिकल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ग्वालियर जिला निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है, किस औद्योगिक क्षेत्र का भाग है, ग्वालियर जिला आपको बताना है किस औद्योगिक क्षेत्र का भाग है, मालवा मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोनघाटी या बघेलखंड का पठार, आंसर होगा इसका बी, यानी कि सेंट्रल इंडिया प्लेटू का पार्ट है ग्वालियर, चंबल का क्षेत्र, आंसर होगा इसका बी। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर दोस्तों जाकर के एक बार फॉलो जरूर कर लेंगे, फ्री क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल पर, यहाँ पर फ्री क्लासेस मिलेंगी, ये प्लस कोर्सेस मिलेंगे आपको, एक बार जाकर के आप फॉलो जरूर कर लीजिए, प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, साथ ही साथ एजुकेटर कम्युनिटी की जो लिंक है मेरी प्रोफाइल पर, वहां पर सभी प्रकार के पीडीएफ और अपडेट्स आप प्राप्त करेंगे, तो जाकर के एक बार जरूर जुड़ जाएं, और उसकी लिंक आप सभी को लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर लिंक आपको अभी सेंड कर देता हूं, ये सेंड हो चुकी है, तो आप लोग उस लिंक से डायरेक्टली जुड़कर मेरी कम्युनिटी पर जाकर के जुड़ जाएं, सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होंगे, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर जाकर के जुड़े फायदा उठाए। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दूं ये प्लस कोर्स है, शाम को 5 बजे एमबीपीएससी प्री का यूनिट नंबर 10 थ्योरी प्लस एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये सेशन रहेगा, मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे से, आप लोग जाकर के इनरोल कर लें यदि आप लोगों ने इनरोल नहीं किया अभी तक, और इसके साथ साथ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों आपको बता दूं प्लस का सब्सक्रिप्शन, जिसके माध्यम से आप कंप्लीट तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं, प्री हो या मेंस हो, आंसर राइटिंग हो या पीडीएफ नोट्स की बात हो, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन हो, एक बैच नहीं मल्टीपल बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र एक सब्सक्रिप्शन है, एक एजुकेटर नहीं आप मोर देन 50 एजुकेटर से पढ़ सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन से। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं लाइव ज्वाइन करें दिन दोपहर सुबह शाम जब भी आपके पास वक्त हो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अलग अलग सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि ये कंप्लीट बैचेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लगभग प्रत्येक दिन एक नया बैच शुरू होता है, मॉक टेस्ट सीरीज का बैच भी है, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, यदि आप वन टू वन मेंटरशिप प्राप्त करना चाहते हैं, वन टू वन गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको टेसिटन जी हाँ कल 4 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई थी, तकनीकी समस्या थी, तकनीकी कारण से नहीं हो पाई वो, ठीक है अभी एक दो दिन वो क्लास बंद रहेगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे उसको। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से वन टू वन गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों इस रेफरल कोड का जरूर प्रयोग करें PANDEY, किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन आप लें इस कोड का प्रयोग जरूर करें और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आप वन टू वन लाइव मेंटरशिप जैसे मैंने बताया आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं 6 मंथ्स 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के, रेफरल कोड आपको यही प्रयोग करना है, ध्यान रखना है संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, बहुत ही किफायती सब्सक्रिप्शन है, और ये 27 मार्च को सुबह 10 बजे से
ये एपीपीएससी कॉम्बैट होने जा रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। कोड आपको ध्यान रखना है, इनरोल करने के लिए इस कोड का प्रयोग जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इनरोल कराएं और इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। सिर्फ पार्टिसिपेट करने से लकी पार्टिसिपेंट्स को एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी प्राप्त होंगे, तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं। और इसके साथ साथ एमपी पटवारी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी मध्य प्रदेश के अलग अलग एग्जाम से भी लॉन्च हो चुके हैं डेडिकेटेड रूप से, जिससे आपकी एक्सक्लूसिव तैयारी होगी। पुलिस कांस्टेबल भी है, एसआई भी है, जेल प्रहरी, ऐसे समस्त जो एग्जाम है उनसे संबंधित अलग अलग कैटेगरीज भी लॉन्च हुई है। अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट मैंने आपको बताई दिया, साथ ही साथ मेंस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्री के लिए ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बक्स माउंटी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जुड़ करके संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन को दबा करके जाएंगे और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल ले जाकर के एक बार फॉलो जरूर कर लेंगे, फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।